हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग कल जा रहे हैं वृंदावन। एंड अभी हम रात के कितने बज रहे हैं पल्लू? रात के बज रहे हैं 12:06। रात के 12:06 हो रहे हैं और हमें कल सुबह 4 बजे उठना है क्योंकि हमें 5 बजे निकलना है। पर अभी तैयारी चल रही है। यहाँ पे पल्लवी अपनी नेल पेंट लगा रही है। नेल पेंट लग चुके हैं, नेल आर्ट कर रही है। देखो देख देख के कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। नेल पेंट लगाने की कोशिश कर रही है पर इनसे लग नहीं पा रही है। तो ये कभी बादल बना रही है, कभी घटिया बना रही है। तो अभी और मैं कपड़े पहन पहन के देख रही हूँ कि मुझे क्या पहनना चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ निकाले हुए एंड पता नहीं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मैं तो इतनी चालू हूँ, मैंने रात को 12 बजे के बाद नहाने की सोची है क्योंकि यार मैं सुबह से उठ के नहा नहीं पाऊंगी। तो 12 बजे के बाद दूसरा दिन हो जाता है। तो भगवान जी, कल मैं सिर्फ कौवा स्नान करूंगी, उसके बाद आऊंगी और अभी मैं अच्छे से नहा लूंगी, मैंने ये सोचा हुआ है। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और फिर हम लोग कल निकलेंगे वृंदावन के लिए। उसके बाद हमारा आगरा जाने का प्लान है, देखते हैं बन पाता है नहीं बन पाता है, पर फिलहाल हमारा यही प्लान। तो मैंने बालों को कर्ल कर लिया है, नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। इन मैडम ने नहीं नहाया है। अब मैं पता है यहाँ पे क्या कर रही हूँ। देखो इन्हें अभी याद है कि इनकी थ्रेडिंग नहीं हो रखी है, तो इन्होंने मेरे हाथ में धागा पकड़ा दिया है सिलाई मशीन वाला और मैं इनकी थ्रेड बना रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। एक्स्ट्रा बाल निकालने को बोल दिया और बाल सिर्फ एक्स्ट्रा है। तो गाइस 3:10 हो गया। अब हम लोग 1 घंटा सोएंगे। अब हम 1 घंटा सोएंगे, 4 बजे उठ के हमें तैयार होना है, इनको तो नहाना भी है। चलिए गुड नाइट। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। रात भर मुझे खांसी हुई है, पर उठना पड़ेगा। सब लोग उठ गए हैं, नहीं नींद ख़राब उन्होंने कर दी है। नींद तो क्या, मैं तो सोई नहीं हूँ। ठंड में कहीं जा रहा मतलब कि बहुत ही मुश्किल है। पर एनीवेज अच्छा हुआ मैंने रात को नहा लिया था, अब नहीं नहाऊंगी। मुँह धो के ब्रश करके चल दूँगी। पल्लवी जागो, ग्राहक जागो। हम लोग निकल गए हैं एंड 5 बज गए हैं। दीपक आ गया है, कोई आए ना आए ये हर जगह टपक जाता है। दीपिका को आ रहा है। हाँ और देखो हमको, देखो तुम एक बार, मतलब हम सोए नहीं है रात भर, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेकअप टेप टॉप चमक के एकदम निकल रहे हैं घर से 4 बजे। इसे देखिए, इसका सामान देखिए एक बार। अरे यार सामान मेरा नहीं है। इतनी गलत बात है दीपक। मेरा ब्लॉग बन रहा था ना, लाइट बंद कर दी। अरे मुझे क्या पता, रुको जला लो बच्चे बीच में। आप लोग देख सकते हैं ये कितना सामान लेकर आई है। हम लोग 2 दिन के जा रहे हैं, एक हफ्ते रुक के आएंगे। इसका एक हफ्ते का प्लान है। कपड़े हैं बस, मैं 2 जोड़ तो तूने पहन रखे। भाई साहब हमें बहुत ज्यादा अपना ऐसा ट्रॉमा सा हो रहा है कि हम इतने ऐसे क्यों आ गए। हमको देखो गाइस, हमको यार मैं ये पल्लवी है। हाय, वो दीपक गाड़ी चला रहे हैं एंड इसको मेरा ध्यान दे, तुम इसको मत देखो। बाहर बाहर निकलने का रास्ता बता देना, मैंने मैप नहीं लिया। ठीक है यार, मुझे एक दुख हो गया यार। ठंड की वजह से ना थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्या क्या पहनना पड़ सकता है, क्या क्या नहीं पहनना पड़ सकता है। ये हमारे तो ग्रुप की नानी है एक्चुअली गाइस। बात ये है कि ये नानी है, मेरे पास संतरे हैं, मेरे पास पानी है। एग्जैक्टली, ये इसने सबका ध्यान रखते हुए, ये अभी मुझे बोल रही थी, मैंने कहा कि इतना और लॉन्ग पर्स में लॉन्ग सब कुछ है, सब लाती है वो, सब के लिए उसने सोचा हुआ है। लॉन्ग मेरे लिए है क्योंकि मुझे कभी भी गले में खराश होती है। सब कुछ तेरे लिए है और वो छोड़, मेरे हिसाब से मैं अपने ऑफिस का लैनियार्ड भी लगी कि लॉन्ग लैनियार्ड लेके आ रखे है, ये ज्यादा हो गया भाई। नहीं नहीं बाहर देखिए, उसमें चाबी लगी हुई है गाइस। यार लैनियार्ड, ऑफिस का लैनियार्ड यार। सोने पंचिंग पंचआउट नहीं है वहाँ पे, कभी मंदिर में पंचिंग करते हुए चले। मैंने कहा देखो मेकअप करने को फायदा तो है नहीं वहाँ जाके, तो रास्ते रास्ते ओकते कोहरा। रात को निकले थे हम लोग, सुबह पहुंच रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है मौसम, थोड़ा सा खुला है अभी। ये धूप की किरणें, खाना चल रहा है।
बस हम लोग पहुँच गए हैं। ऐसे फोन जाएगा हैं? राधे राधे बोल। राधे राधे बोल। मेरी बिंदी। बस 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 बस। ये तो छुपाई थी। अरे ओ भाई उसके राधे राधे। आपकी राधे राधे। यहाँ यहाँ कर। बस यहाँ 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 पे। How sweet. अरे भाई। Thank you. सब लोग नंगे पैर जा रहे हैं देखो सब लोग, क्योंकि यहाँ पर चप्पल बाहर करवा देते हैं और अभी ना ठंडा बहुत है तो पैरों में बहुत ठंडी लग रही है भाई, बहुत ठंडी लग रही है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं। हम लोग कौन से वाले जा रहे हैं मंदिर? निधिगंज जा रहे हैं। निधिगंज जा रहे हैं और अभी हम लोग कुछ खाने देते हैं, वेट कर रहे हैं खाने का। हमने कचौड़ी ऑर्डर किया क्योंकि यहाँ के बहुत फेमस है और सबसे अच्छी चीज़ है तो राधा रानी को। हाँ और राधा रानी हाँ वो तो है, मगर एक वो जो भाव से बोल रहे हो बहुत प्यारा। मैं चाय चाय आधी कप चाय चाय नहीं तो हाँ अभी चाय पीएंगे। चाय फेमस है क्या? क्या फेमस है? और ये दुकान का नाम है, सॉरी नाम नहीं देखा था, बाद में बताएंगे। गाइस ये रही कचौड़ी, मुझे लगा सूखी आएगी यार, एक्चुअली नहीं सूखी नहीं, ये प्रॉपर सब्जी सब्जी शायद कुछ सूखी सब्जी है, गीली सब्जी है, कचौड़ी है। अच्छा अभी पता नहीं क्या खा के पता कैसी हो रही है, खुशबू देसी घी की है। तो गाइस ये मास्टर शेफ यहाँ पे रिव्यू करेंगे सारे इंग्रेडिएंट। वो भी कहते हैं इतना चकित्र होने वाली बात नहीं है। कॉलीफ्लावर वाली ओके, कॉलीफ्लावर वाली गोभी खाओ खाओ से नाइस ओके। मैं लस्सी टेस्ट करूंगी, मुझे लस्सी बहुत पसंद है पर यहाँ के बहुत फेमस है, देखता है कैसी फेमस है। शुद्ध बहुत प्यार है सब कुछ अंदर। ये देखो जितने मंजिल का ये हम लोग ऐसे बनाते हैं उतने मंजिल का यहाँ पे घर बनता है ऐसा बोला जाता है, तो इन लोगों ने साथ साथ मंदिर के इतने घर बना दिए। मेरे लिए सफिशिएंट है वो पांच मंदिर का घर। कितना बना दीपशिका तेरा? कितने मंजिल का घर बन गया? ओ माय गॉड वेरी अमीर। चलो चलो गाइस फोन पे बात कर रहा है, हम लोग वोटिंग में जा रहे हैं। ये वो उधर उधर जल्दी दीपक मैं वीडियो बना रही हूँ। अरे भैया दीपू भाई मेरी मैं ये लाल कलर का वो है। अच्छा अच्छा कृष्ण जी यहीं पे डांस कर रहे थे गाइस, कृष्ण जी यहाँ पे डांस करते थे। कलर
हम लोगों ने बोटिंग कर ली है, अब हम लोगों की नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी कोई दूसरा मंदिर है वहाँ पर। ये देखो यार, ये पानी की भी प्यास लगी है, सोडे की भी प्यास लगी है, प्रसाद छुपा हुआ है वहाँ, वो अलग भटक रहा है, मतलब गाइस मुझे एक बहुत चकित्र बात पता चली है, चकित्र कि हम लोग अभी 3.5 घंटा चल चुके हैं, 3.5, ओ माय गॉड, 3.5 घंटा, सॉरी माय बैड, 3.5 किलोमीटर मतलब छुपाना। गाइस यहाँ पे हर चीज छुपानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदर बहुत ज्यादा है। यार ये जगह बहुत प्यारी है, मतलब ये कौन सा, यमुना घाट है, गंगा घाट, यमुना घाट। गाइस इतनी प्यारी जगह है यमुना घाट, वेरी सुंदर। ये देखो हम लोग कैसे एडजस्ट होते जा रहे हैं, और हमारे ही फ्रेंड रिक्शा चला रहे हैं। तो अभी हम लोग खाने के लिए रुके हैं कहीं पर, कोई स्टॉप है यार, देख यार क्या चाहिए तेरे को, कार सफर से सफरिंग भाई बताओ, खाने के ऊपर डिबेट चल रही है। आप क्या खाओगे पल्लू? मिक्स वेज खाना का पसंद करूंगी मैं, अगर कोई और खा रहा है तो, नहीं तो स्पेशली मेरे लिए मत मंगाना, तो रहने दो फिर। मिक्स वेज के लिए तो जीरा आलू कर लेते, हाँ कर सकते। क्या हम कढ़ाई पनीर कर रहे हैं गाइस? अरे दादा वो तो हो गया तुम्हारा, गाइस कढ़ाई पनीर आ रहा है, कढ़ाई पनीर, दाल हांडी, एक जीरा आलू, और खाना खाने जा रहे थे हम। अरे को ऐसा लग रहा है, हमने खाना खा लिया है और हम लोग अभी 3:30 बज रहे हैं, और जो जितने भी मंदिर हैं बाकी के वो 4:30 बजे के बाद खुलेंगे, तो 1 घंटा में निकालना है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं हम लोग इन गाड़ियों में ही सो जाएंगे, तो अभी बज रहे हैं 5:45 और हम लोग इस्कॉन जा रहे हैं। हम लोग लेट हो गए थे काफ़ी क्योंकि हम लोग गाड़ी में सो गए थे काफ़ी देर। भाई बहुत बंदर है, भाई बहुत बंदर है, भाई ये खेल रहा है।
अगर आपको लग रहा है हम किसी क्लब में है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जय माता दी। और ठंड चलो बाके बिहारी लाल की जय। तो हम लोग निकल गए। क्या हो गया, हंस रहे क्यों? पश्चिम बंगाल में आगरा में। अभी इसमें मजाक उड़ाने की बात मत करना, ठीक है? मेरी इज्जत है YouTube। तो अभी अब निकल गए हैं वृंदावन से एंड हम लोग जा रहे हैं आगरा। 8:30 बज रहे हैं अभी और शायद हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग कल ताजमहल देखेंगे। मैक्सिमम 2 घंटे बस। मुझे गंदी वाली खांसी हो चुकी है, बहुत गंदी वाली। तो हम लोग अभी तक एक बार भी नहीं सोए कल से। सबसे बड़ी अपडेट ये है। सोए तो हैं थोड़ा सा। नहीं नहीं, तू सोया होगा, मैंने सोई हूं। थोड़ा तो सोए हैं। नहीं यार, झूठी है यार ये। कितना ही सोए हैं, 5 मिनट सोई होगी मैं। हां ये तो बहुत ही एग्जैक्टली। तो मेरे डार्क सर्कल आप लोग देख सकते हैं गाइस। इवन सभी के देख सकते हैं, सभी के देख सकते हैं, सब मरे पड़े। देखो वो, देखो वो रही पल्लवी जादू। और ये हम लोग पहुंच गए हैं आगरा और हमने होटल भी देख लिया है। सही होटल हमें मिल गया है एंड 10:30 बज रहे, आई थिंक 9:30 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे आगरा में ही। 1 घंटा लगा था खाली एंड अभी हम लोग शायद सोएंगे खा पी कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हुई है। व्लॉगिंग करने भी नहीं आती। हेलो गाइस, सो हम लोग अभी उठ गए हैं। कितना टाइम हो रहा है? कितना टाइम हो रहा है? 10 बजने वाले हैं। हाँ 10 बजने वाले हैं। और अभी हम लोग आगरा में, हमको भी ताजमहल जाना है। हम दो ही चीज़ यहाँ पर जाएंगे, ताजमहल और एक रेड फोर्ट, क्योंकि आगरा फोर्ट क्योंकि और टाइम नहीं है। हमें वापस भी जाना है, कल हमारा ऑफिस है। कल मैं मेकअप के साथ ही सो गई, ये भी मेकअप के साथ सो गई है। देखो यार, हम तो ऐसे ही जा सकते हैं उठ के, चाहे तो ठीक है, ऐसे चलते हैं। इनकी नींद खुल गई है शायद, नहाने का मन है पर नींद पूरी हो गई। नहाने का मन है पर कैसे नहाया जाए। रिसेप्शन का कॉल। गाइस मैं नहा के आ गई हूँ, अब मैं रेडी हो रही हूँ। थोड़ा बहुत हम मेकअप करेंगे उसका, निकलती हूँ। पल्लवी तो रेडी हो गई है और इनके पानी कैसे सी हैं, अजीब सी। चलो गेट रेड वेदी विद मी, गेट रेड वेदी विद मी। सॉरी गाइस, मुझे माफ़ कर देना। भाई और बहनों मैं रेडी हो गई हूँ, देखो इतनी जल्दी। बहुत सिंपल से तैयार हुए हम लोग क्योंकि ठंडा वाला है बाहर, क्योंकि ठंडा वाला है। लड़कियाँ इतनी जल्दी तैयार हो गई है, सारी की सारी आप लोग देख लो। और वो लोग जो बोले थे कि लड़के आप लेट करोगे, वो अभी तक रेडी हो रहे हैं। लड़को यार, मैन कब। सो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, सब लोग तैयार हो। मैं ऑलरेडी रेडी हूँ, बैग वैग लेके गेट के बाहर रही हूँ। ओके सो मैं भी गेट के बाहर जा रही हूँ। बाय। सो गाइस हम लोग रिक्शा में जा रहे हैं ताजमहल। तो ऐसा हो रहा है, कभी निकल रही है धूप और कभी हो रही है ठंडी, तो हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। एंड अभी हम लोग रिक्शा लेंगे और चलेंगे ताजमहल में। जाने के लिए हमें ये वाली गाड़ी चाहिए, इसके बिना आप लोग नहीं जा सकते। अभी हम लोग गाड़ी में आए हैं और अभी और पैदल चलना है, मतलब कल वृंदावन में पैदल चल चल के मेरी हड्डियाँ टूट गई हैं इस पैरों की। हिम्मत नहीं है, मेरे तलवे दर्द कर रहे हैं पैर के, पर हमें और चलना है। दीपशिका एग्जिट है काम की। अच्छा यार भैया मैं जा रही थी यार, बाद में जाना ही तो बताओ। ठीक है ठीक है, मतलब कहने का बाहर जाना था, पहले बता दिया आपने। ये तो अभी जाने वाली थी बात। सोच समझ के बताओ भैया। भैया आपको कभी माफी करेंगे। लेफ्ट रेट में जा रही ऑफिस गाइस, ये ऑफिस है।
मुमताज का ऑफिस कमांडेंट वाव ये क्या ये ताजमहल है चार गेट है सामने बेस्ट गेट है ये ताजमहल का लोकल गेट है डबल पार्किंग होता है क्राउड रहता है सामने साउथ। एक बात आपको मैं सुना नहीं पाई जो ताजमहल की लागत है वो है 4 करोड़ उस टाइम के 4 करोड़ उस टाइम के 4 करोड़ के 400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। सोच लो आप कितना ज़्यादा लागत है उसकी। और ये तो सबको ही पता है कि ताजमहल बनने के बाद मजदूरों के हाथ कटा दिए गए थे। दैट वॉज रियली रॉन्ग। मैं माफ़ नहीं कर पाती उन्हें पर अब तो यही है जो है वो है भी नहीं। अच्छा सर ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं ये मेहमान खाना गेस्ट हाउस है। ताजमहल को बने 400 साल हो गए। उस जमाने के होटल या गेस्ट हाउस हुआ करते थे। शाहजहां की जो VIP लोग आते थे मंत्री लोग सलाहकार लोग मुमताज की याद में ताजमहल के साथ कोई नया घर बना हुआ आपके मिलने वाले आएंगे कैसा ताजमहल कैसा घर बनाया गया ये तो फेमस था ताजमहल कैसा बनाया गया उनके लोग सारे यहाँ गेस्ट हाउस है मेहमान खाना यहाँ से बैठ के ताजमहल का नजारा देते हैं। फ्रंट से देखना ताजमहल बैक साइड से भी सेम है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ पता चली है आज तक जो हमने सुना है कि जो लेबर्स थी यहाँ के जिसने ताजमहल बनवाया था हाँ। उनके हाथ कटवाए नहीं गए थे वो हाँ। इंजर्ड हो गए थे exactly. तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया गया कि आपके हाथ कटवा दिए गए हैं हाँ। और अब आप इसके बाद कोई और ताजमहल या ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते। और उनके हाथ शाहजहां ने नहीं कटवाए थे वो खुद ही काम करते करते इंजर्ड हो गए थे। ये बहुत बड़ी न्यूज है आज तक में। खुलासा ममता की पोस्ट पे खुलासा ताजमहल की लेबर का सच। शॉकिंग है मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है मुझे आज तक यही लगता था कि हाथ कटवाए हैं और मैं अभी भी पीछे यही बोल रही थी कि उन्होंने कितना गलत किया मुझे माफ कर दो शाहजहां जी इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं ताजमहल देख के क्योंकि अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम फोर्ट जा सके। बहुत थक किसी की कमर में दर्द है किसी के पैरों में दर्द है चलने की हिम्मत नहीं बची कोई हिम्मत नहीं है। अगर आपको यहाँ आगरा में आना है तो हिम्मत लेके आइएगा वरना कोई फायदा नहीं है गाइस। ये तो हम लोगों ने सुबह ही नाश्ता अच्छा खासा कर लिया था तो हम इतना चल नहीं पाए हाँ सच में लग सकती है। और पानी तो इज मस्ट चाहे सर्दी में आ रही हो चाहे गर्मी में। एग्जैक्टली भाई पता नहीं ताजमहल में ऐसा क्या जाते पानी की प्यास लग गई थी ना बहुत ज्यादा। एवरीवन वाज थर्स्टी